जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये बनाइए, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपने एक बार इसे घर में बनाया ना, तो आप बाहर से खाना और लाना तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है। सो बनाइए और मज़े करिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने इसमें 3 टमाटर ले लिए हैं, अदरक और हरी मिर्च, सबको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद एक कढ़ाई में हमने जीरा डाल दिया और जो पिसा हुआ मसाला था ना वो डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से बेसिक्स मसाले, थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने स्वाद अनुसार। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद एक चम्मच करीबन इसमें धनिया डाल दिया है, इसको भी हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। एकदम बेसिक सी ग्रेवी हम इससे रखने वाले हैं। और एक चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, किसी भी ब्रांड का गरम मसाला डाल दीजिएगा बस। और हमने 3 सीटी लगाकर ये रखे थे हमने काबुली चने पहले से, इसको पहले हमने इससे अच्छे से भिगो लिए थे। उसके बाद 3 सीटी लगने के बाद हम इसे अच्छे से कुक कर लिए, उसके बाद इसमें डाल के साइड में रख दीजिए। उसके बाद बॉईल किए हुए आलू, उसमें थोड़े से जीरा, थोड़े से इसमें नमक, कॉर्नफ्लावर, 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया मैंने, जितना ज़रूरत होगी। जैसे ही बाइंड होने लगे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले आलू के साथ। कुछ इस तरह का शेप देना है हमें, टिक्की का शेप देना है। आप चाहें तो इसे फिल स्टफ भी कर सकते हैं, पर मैंने एकदम सिंपल से रखा है। बस इसे ऑयल डाला और मैंने इसे कॉर्नफ्लावर में अच्छे से कोट कर दिया है थोड़ा सा ऊपर से, जिससे ये अच्छे से ना अच्छे से क्रिस्पी और अच्छा सा सुनहरा सा कलर भी आ जाएगा इसमें। तो ये बस मैं साइड में करते जा रही हूँ। और जैसे ही हमें जब भी सर्व करना है तो बस सेंटर में आप इस तरह से टिकिया लाइए और इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए इसकी हेल्प से, और बस इसे दोनों तरफ से अच्छे से करारा होने तक सेक लीजिए। इतनी मज़ेदार सी आलू की टिक्की बनती है ना कि एकदम मार्केट जैसे बनेगी। और आपको बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते हैं और आप जिसको भी खिलाएंगे कि आपने इसे घर पर बनाया, बहुत ही सिंपल है पर बहुत मज़ेदार। देखिए सुनहरा सा कलर आ गया है। अब इसे हम असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने छोले डाले, छोले डालने के बाद हम इसके ऊपर टिकिया रखेंगे। टिकिया रखने के बाद बेसिक से चटनी है, थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा इसमें हम इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, और मैंने इसमें मीठी चटनी भी डाली है, और ये जो हमने एकदम जलजीरा वाला पानी था वो डाल दिया। थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी आप डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें जलजीरा पानी डाला तो इसलिए स्किप किया है। और बस इस साइड में अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन, तो जो भी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे और मैं यूं ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूँगी। और थोड़े से हमने ऊपर से अच्छे से खस्ता डाल दिए और खूब सारा सेव नमकीन डाल दिया है, और लास्ट में जो है थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा धनिया। और इन्जॉय करिए मज़ेदार सा स्ट्रीट चाट जो बहुत मज़ेदार लगता है।